नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कुसुमलता जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? ग्राम इकड़ी, तहसील सैदना, जिला मेरठ से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2012 में, 17 फरवरी 2012। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, यही दुर्गा माता की, शिव जी, भोलेनाथ की, गणेश महाराज की, यही भक्ति करते थे। और नवरात्रि रखना, शिव जी के व्रत रखना, बस यही भक्ति करते थे हम, देवी देवता पूजना। और मैं 16 साल से जयगुरुदेव पंथ में थी, वही भक्ति करते थे हम, दो दो घंटे, ढाई ढाई घंटे सिर पर चादर डाल के और उनका नाम का सिमरन, भजन, कान में उंगली दे के जैसे वो बताते थे, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ मुझे। बहन जी आपने बताया कि आप जयगुरुदेव पंथ में 16 साल से जुड़ी हुई थी और देवी देवताओं की भक्ति करती थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? संत रामपाल जी की पुस्तक मिली थी सन 2000 में हमको, कौन कितने पानी में, और उनका हम टीवी में प्रोग्राम आता था उस टाइम, तो हमने उनका टीवी में भी प्रोग्राम देखा था। टीवी में प्रोग्राम देख के फिर हम सतलोक आश्रम बरवाला गए और वहाँ हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, मैं 16-17 साल से भूत प्रेत की बाधा से ग्रस्त थी, घर में भूत प्रेत सबको ही लगा हुआ था। 2 बार में बालाजी गई, सालासर गए, खोली गए, जहाँ भी जिसने बताया, बहुत तांत्रिकों के चक्कर में, भक्तों के चक्कर में हुए, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं मिला। और जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे हस्बैंड हैं जो मेरे पति हैं, उनको जो है रात को दौरे पड़ते थे बहुत भयानक, तब से संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया, वो भी बिल्कुल ठीक है। और मेरे बेटे की बाइक छिन गई थी, उसको चोर मिल गए थे रास्ते में, उसको भी इतना चोट मारा, चोरों ने दिखना बंद हो गया बिल्कुल सर जी, और ना उसको आवाज़ भी बंद हो गई, गूंगा हो गया बिल्कुल। फिर मैंने उसको, उसने नाम नहीं लिया हुआ था, मैंने प्रसाद और अमृत जल दिया परमात्मा का, वो बिल्कुल ठीक हो गया उनसे। और 3 दिन बाद ही फिर उसको नई बाइक दिलवाई परमात्मा की दया से, बहुत लाभ हुआ। और मेरे यूट्रस में रसौली थी, डॉक्टर ने बोला कि शुगर के कारण तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होने का। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि गुरुजी ऐसे ऐसे डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटी, करा लो, कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूँ। और तब तक मेरा ऑपरेशन हुआ, परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी मेरे साथ में ही रहे, संत रामपाल जी महाराज की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक बार संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक सेवा चल रही थी यहाँ प्रतापपुर में, हम वहाँ से जा रहे थे, तो 120 की स्पीड पर हमारी बाइक थी पुस्तक सेवा करके, वो हमारी बाइक के सामने कुत्ता आ गया, कुत्ता भी टकरा गया, कुत्ता भी साफ निकल गया, ना उसको चोट लगी ना हमें चोट लगी, हम बिल्कुल सीधे ही चले गए, कोई भी हमें किसी भी तरह की चोट नहीं आई। और हमारे भगत जी के 3-4 हज़ार रुपये थे वो निकल गए थे जंगल में, वो नहीं मिले थे खेत में, हम पुस्तक सेवा करने के लिए गए थे, वहाँ से आके याद आए कि हमारे पैसे पता नहीं कहाँ खो गए हैं, गुरु जी तो कहते हैं सबके मिल जाते हैं, हमारे तो पैसे खो गए हैं, नुकसान हो गया। तो अगले दिन हमारे भगत जी जैसे वहाँ पर गए, हमारे हस्बैंड जंगल में, तो वो पैसे 5-5 सौ नोट उन्हें वहीं पड़े हुए मिले खेत में ही। संत रामपाल जी की कृपा से हमारा सारा परिवार सुखी है और हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब तरह की घर में पूरी तरह से सब तरह की मौज है घर में, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, या हमें सद्भक्ति मिली हुई है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएँ जो आज दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बस कहना क्या, यही कहना चाहती हूँ उनसे कि भाई संत रामपाल जी की आप भी शरण में आए, जैसे हमारे दुख दूर हुए हैं, वो भी अपना दुख दूर करवाएं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी की शरण में आने के लिए टीवी में 7:30 बजे साधना चैनल पर सत्संग आता है, उसमें एक पट्टी आती है, उस पर आश्रम के संपर्क नंबर लिखे हुए हैं, उस पर फ़ोन करें, और जगह जगह हमारे नामदान, डिस्ट्रिक्ट वाइज नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ जाके अपना नामदान लें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। अच्छा।